वेलकम टू द क्लास ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 सब्जेक्ट कॉमर्स। दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल टू यू बिकॉज इन दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू यूनिट, यूनिट 4। यूनिट 4 इज अबाउट स्कोप ऑफ फाइनेंस, राइट? इन दिस यूनिट द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ फाइनेंस। वी विल स्टडी व्हाट इज द बिजनेस फाइनेंस इन दिस यूनिट। यूनिट 4 में जो आप पूरा स्टडी करने वाले हैं तो वो होगा बिजनेस फाइनेंस। एंड इन एवरी सेशन वी विल डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस वन, ओके, बिजनेस फाइनेंस। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्कोप ऑफ फाइनेंस क्या है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले समझना है कि फाइनेंस क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंस रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड अदर एसेट्स इंक्लूडिंग ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड डैश रिलेटेड टू प्लानिंग, दैट इज डिसिप्लिन। आपके पास फाइनेंस है, हम कह देते हैं इस कंपनी के पास अच्छा फाइनेंस है, या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए चल नहीं पाई क्योंकि इसके पास फाइनेंस नहीं था। फाइनेंस का मतलब ही क्या है? फाइनेंस मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मनी, कि आपके पास जो पैसा है या जो भी एसेट्स हैं उन वो आपके पास कैसे मैनेज्ड हैं। वेदर यू हैव अ गुड कैश रिजर्व, वेदर यू हैव टेक्निकल एसेट्स और नॉट, वेदर योर मनी इज बोथ इन द टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड इन कैश फॉर्म, लिक्विड एसेट्स हैं क्या नहीं आपके पास, ये सब फाइनेंस की बात है। तो दैट फाइनेंस इज रिलेटेड टू किस चीज़ में? ऐसी एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, ये सब फाइनेंस का काम है। सिर्फ फाइनेंस का मतलब मनी नहीं होता है, इट्स ऑल्सो अबाउट मैनेजमेंट ऑफ मनी, राइट? मैनेजमेंट क्यों करना? प्लानिंग के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ये सब चीज़ें के लिए। देन फाइनेंस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट्स। विदाउट फाइनेंस a business organization will never get success. So individual or organizational markets mein finance ki bahut zyada need hoti hi hai, right students? And this session hum padhenge first of all scope of finance. Finance aapko kahan kahan se kaise kaise mil sakta hai, what are the various ways of business finance to collect the business finance. So let's study. The very first is कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? आप अच्छे से एक एक पॉइंट को समझते जाइए, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आज के इस जो सेशन में है आपको बेसिकली फाइनेंस क्या है, फाइनेंस की स्कोप क्या है। सो फाइनेंस कैसे हेल्प करता है? सेटिंग एसेट्स प्रोजेक्ट, ओके, एंड डिसाइडिंग विच टू अंडरटेक टू मैक्सिमाइज डैश वैल्यू, विच वैल्यू टू मैक्सिमाइज द फर्म्स वैल्यू। कैपिटल बजटिंग में क्या डिसीजन लिया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? इट्स अबाउट हाउ टू मैनेज योर कैपिटल, आपको कैसे एसेट्स बनाने हैं, कैसा प्रोजेक्ट लेना है, एंड ऑल्सो डिसाइडिंग विच टू अंडरटेक, विच प्रोजेक्ट टू अंडरटेक, एंड दैट इज कैपिटल बजटिंग। हाउ यू विल इन्वेस्ट योर मनी इन डिफरेंट फील्ड्स। द नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? द एस वर्किंग का ही मीनिंग क्या होता है? डे टू डे करंट। वर्किंग मीन्स अनदर नेम, याद रखना करंट। सो करंट मीन्स एश्योरिंग क्या कि फर्म हैज इनफ कैश, डैश टू कैसा कैश, कैश फ्लो टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। करंट एक्सपेंसेस जो भी फर्म के होंगे वो भी बिजनेस फाइनेंस का ही स्कोप है, कि आपको क्या वो बियर करने की हिम्मत है, क्या आपके पास इतना फाइनेंस कैश फ्लो है कि आप उनको बियर कर सकते हो। देन इज कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है? यहाँ पर आप मिक्सचर ऑफ कैपिटल करते हो कि आपके पास इक्विटी शेयर्स कितने होने चाहिए, इक्विटी कैपिटल लाइक प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर्स के थ्रू आप कितनी मनी कलेक्ट करो, बोन्स के थ्रू कितनी करो। तो दैट इज वॉट कि ऑप्टिमल मिक्स इज डेट मीन्स पैसा बाहर से उठाना, एंड इक्विटी मैनेजिंग योर ओन शेयर होल्डर्स वेल्थ टू डैश अ फर्म्स ग्रोथ, टू फाइनेंस अ फर्म्स ग्रोथ। फर्म की ग्रोथ के लिए एक
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको डेट और इक्विटी का ऐसा मिक्सचर रेडी करना है, इट कुड बी परसेंटेज ऑल्सो, कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रेडी हो जाए. मीन्स ऐसा हो सकता है कि आप इक्विटी में 60% करना चाहते हो और डेट 40%. 60 में क्या किया आपने, 20 में इक्विटी ले ली, 20 में प्रेफरेंस शेयर ले लिए और नेक्स्ट 20 में बोन्ड्स वगैरह ले लिए, है ना. 40 में आपने क्या किया, लोन उठा लिया 20 का, और 20 के आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए. तो इस तरीके से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रेडी हो गया. इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट. देन इज डिविडेंड पॉलिसी. ये भी बिजनेस फाइनेंस का ही एक डिसीजन होता है कि आपको अपने फर्म के लिए क्या डिविडेंड पॉलिसी रखनी है. डिटरमाइनिंग हाउ मच प्रॉफिट, डिविडेंड का मतलब देखिए क्या है, इसमें ये डिसीजन लिया जाता है कि कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स को, कितना देना है एंड हाउ मच टू रिटेन, और बैक टू फर्म में कितना पैसा रखना है. रिटेन वाला आपका रिटेन्ड अर्निंग्स बन जाएगा, और जो पैसा आपने शेयर होल्डर्स को दिया है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, कि शेयर होल्डर्स को भी पैसा दे दिया वो उनके लिए प्रॉफिट है. और ये सब दोनों चीजें किसमें से होती है, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन. द नेक्स्ट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशन. मर्जर और एक्विजिशन डिसीजन लेना कि कब बिजनेस को हमें मर्ज करना है, कब कौन सी फर्म को हमें एक्वायर करना है, कैसे एसेट्स को लेना, ये भी बिजनेस फाइनेंस का ही डिसीजन है. सो व्हाट मेजर डिसीजन इज टेकन अंडर दिस, असेसिंग द स्ट्रेटजीज फॉर टेकिंग ओवर अनदर फर्म, को टेक ओवर करना या फिर बींग एक्वायर्ड इज द डिसीजन टेकन अंडर बिजनेस फाइनेंस. द नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या लिया जाता है कि जो आपने कैपिटल इकट्ठी करी है, कैपिटल स्ट्रक्चर किया है ना, लोन से किया है या फिर आपने डेट उठाया है या फिर आपने शेयर होल्डर्स को पैसा दिया है, तो उसका कितनी कॉस्ट आएगी, मतलब आपका खर्चा कितना हुआ. चूजिंग द रेट ऑफ रिटर्न, आपको वहां से रिटर्न कितना आ रहा है, दैट फर्म मस्ट डैश ऑन एग्जिस्टिंग, फर्म मस्ट अर्न ऑन एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट, करने से फर्म को कितना फायदा हो रहा है, ये सब चेक कर होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, राइट माई डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेरी वेल. द नेक्स्ट इज ट्रेजरी मैनेजमेंट. ट्रेजरी मैनेजमेंट इज द न्यू वर्ड, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उनको ये बहुत न्यू लगेगा ट्रेजरी मैनेजमेंट, और इसीलिए ट्रेजरी मैनेजमेंट के आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं. इसमें क्या है, मैनेजिंग द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो. आप इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कैश कितना आ रहा है जा रहा है, टू इंश्योर बिजनेस जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को मीट करता रहे. मतलब ट्रेजरी इज काइंड ऑफ कि ऐसा खर्चा जो दिन दिन रात चलता रहता है, मतलब डे टू डे लाइफ में आउटफ्लो इनफ्लो होना. देन इज रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, नॉट जस्ट टू लुक एट द फाइनेंस, इट्स ऑल्सो टू टेक डिसीजन्स अबाउट द रिस्क, आइडेंटिफाई करना और एनालाइज करना ऐसे फाइनेंशियल रिस्क, लाइक करेंसी में तो नीचे से भी करेंसी डिनोमिनेशन हुआ था रिसेंट, है ना, कंट्री में 2000 के नोट बंद हो गए, तो ये चीज़ें एक बिजनेस को बहुत अफेक्ट करती हैं. इंटरेस्ट रेट मार्केट में कितना चल रहा है, लिक्विडिटी कैसी है, क्रेडिट कितना है, तो ये भी डिसीजंस लिए जाते हैं. द नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. यू हैव टू रिपोर्ट अबाउट योर फाइनेंशियल पोजिशन टू अदर्स, सो प्रिपेयरिंग द पीरियोडिक इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिपोर्ट. ऐसी रिपोर्ट प्रिपेयर करना जो इंटरनल भी हो सकती है एक्सटर्नल भी हो सकती है, ऑन फर्म्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस. आपको रिपोर्ट भी सबमिट करवानी पड़ती है. द लास्ट इज बजटिंग, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वट इट सेज, क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स दैट ट्रांसलेट क्या फर्म स्ट्रेटजी एंड गोल्स इन टू फ्रेमवर्क इज पार्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस. सो ऑल दीज पॉइंट्स लाइक बजटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब हमने क्या पढ़े हैं, स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस. एंड आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है. यूनिट 4 बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा. इसके फर्स्ट टॉपिक से अगर आप इसको समझते जाएंगे तो UGC नेट का एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आपके हाथ से बाहर होगा यूनिट 4 का, राइट. टिल देन कीप स्टडीइंग एंड स्टे ट्यून्ड.